नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मार्च 2009, आम चुनाव में महज 2 महीने का वक्त बाकी था। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी पूरा दम साधकर चुनाव प्रचार में लगी हुई थी। 82 साल के लालकृष्ण आडवाणी अपने सीने पर पीएम इनोवेटिंग का तमगा सजाए जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। प्रचार अभियान के दौरान जब आडवाणी अहमदाबाद पहुंचे, तो अगले अखबार में एक फोटो छपी जिसमें उन्हें जिम में डंबल उठाते दिखाया गया था। उनकी ढलती उम्र पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और आडवाणी डंबल उठाकर इन सवालों का जवाब दे रहे थे। नागपुर के बीचों बीच एक जगह है रेशम बाग। मराठी में रेशम को रेशम कहा जाता है। अंग्रेज जब अपने फीते से भारत की जमीन नाप रहे थे, तो उन्होंने इस जगह को नाम दिया था जीरो मील। जीरो मील माने इस महादेश के नक्शे का केंद्र। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके बनाए नक्शे यही रह गए। इसी रेशम बाग में एक डॉक्टर हेडगेवार भवन नाम की इमारत है। ये इमारत नक्शे के केंद्र को सत्ता के केंद्र में तब्दील करती है। 21 मार्च 2009 को रेशम बाग में संघ के इस दफ्तर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक थी। इस प्रतिनिधि सभा की बैठक के दौरान नए सर संघ चालक के नाम का फैसला होना था। हालांकि संघ का अपना लोकतांत्रिक ढांचा है, लेकिन अंतिम निर्णय सर संघ चालक का ही होता है। अब तक रवायत ऐसी ही रही थी कि हर सर संघ चालक अपना उत्तराधिकारी खुद चुनता आया था। पहले सर संघ चालक हेडगेवार ने माधव सदाशिव गोलवलकर का चुनाव किया। गोलवलकर जब मरे, तो उन्होंने संघ के स्वयं सेवकों के नाम 3 चिट्ठियां छोड़ी थी। इसमें से एक चिट्ठी पर बाला साहेब देवरस को नया सर संघ चालक बनाने की इच्छा प्रकट की गई थी। वहीं रज्जू भैया के सर संघ चालक बनने तक ये रवायत बदस्तूर जारी रही। जब 2000 में रज्जू भैया अपने स्वास्थ्य कारणों से सर संघ चालक के दायित्व से मुक्त हुए, तो उनके वारिस समझे जाने वाले HV शेषाद्री ने भी स्वास्थ्य कारणों से सर संघ चालक बनने से इनकार कर दिया था। इसके बाद KS सुदर्शन को नया सर संघ चालक चुना गया था। अब सुदर्शन भी अपने सर संघ चालक के दायित्व से स्वास्थ्य कारणों के चलते मुक्त हो रहे थे। वहीं राष्ट्रीय मीडिया में एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि मोहन भागवत संघ के 6ठे सर संघ चालक बन चुके हैं। हालांकि मीडिया में ज्यादातर लोगों के पास उस समय तक उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन RSS से जुड़े लोगों के लिए ये निर्णय चौंकाने वाला नहीं था। सर कार्यवाहक को सामान्य तौर पर अगले सर संघ चालक के रूप में ही देखा जाता है। संघ में एक अलिखित नियम है कि 75 की उम्र के बाद आदमी संगठन के तमाम दायित्वों से मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं मोहन भागवत की। मोहन मधुकर राव भागवत के परिवार का संघ से 3 पीढ़ी का नाता है। उनके दादा नारायण भागवत सतारा के रहने वाले थे। कानून की पढ़ाई करने के बाद नारायण वकालत करने के लिए सतारा छोड़कर चंद्रपुर आए थे। नागपुर की नील सिटी स्कूल में नारायण और केशव बलिराम हेडगेवार सहपाठी हुआ करते थे। दोनों लोगों को स्कूल में वंदे मातरम गाने की वजह से स्कूल बदर कर दिया गया था। चंद्रपुर आने के बाद नारायण ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हेडगेवार भी संघ की स्थापना से पहले कांग्रेस के 54वां सदस्य हुआ करते थे। 1925 में संघ की स्थापना के बाद नारायण भागवत ने सक्रिय तौर पर संघ का काम शुरू किया और उन्हें नया नाम मिला, नाना साहेब भागवत। नाना साहेब भागवत के बेटे मधुकर भागवत का बचपन शाखा में लाठी भांजते हुए बीता। जवान होते होते वो संघ के प्रचारक बन चुके थे। प्रचारक मतलब संघ का पूर्णकालिक कार्यकर्ता। उन्हें 1940 में संघ के काम विस्तार देने के लिए गुजरात भेजा गया। गुजरात में कुछ साल प्रचारक के तौर पर काम करने के बाद मधुकर घर लौटे। उनकी शादी मालतीबाई से करवा दी गई। शादी के कुछ समय बाद मालती गर्भवती हुई। 11 सितंबर 1950 के दिन वो एक बेटे की मां बनी। इस लड़के का नाम रखा गया मोहन। मोहन भागवत के पैदा होने के बाद उनके पिता मधुकर भागवत ने कानून की पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई करने के बाद वो चंद्रपुर लौटे और अपने पिता की तरह ही वकालत करने लगे। थोड़े समय बाद वो अपने पिता की जगह चंद्रपुर जिले के संघ कार्यवाह बने।
जिला कार्यवाह आरएसएस का जिला स्तर का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। मोहन भागवत का बचपन भी अपने पिता की तरह ही शाखा में बीता। 12वीं तक चंद्रपुर में उन्होंने भी पढ़ाई की। इसके बाद भागवत ने अकोला के डॉक्टर पंजाब राव देशमुख वेटनरी कॉलेज में दाखिला ले लिया। संघ का काम यहाँ भी जारी रहा। कॉलेज में भागवत को संगीत और थिएटर का शौक लग गया। उन्होंने गायन और थिएटर प्रतियोगिताओं में कई इनाम जीते। मोहन भागवत की जीती हुई ट्रॉफियां और मेडल अब भी भागवत परिवार के पुश्तैनी मकान की सजावट में काम आ रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन भागवत ने हर नौजवान की तरह अपना रुख नौकरी की तरफ लिया। उन्होंने चंद्रपुर में ही एनिमल हस्बेंड्री विभाग में बतौर वेटनरी ऑफिसर नौकरी शुरू कर दी। कुछ महीने भागवत चंद्रपुर में रहे। इसके बाद उनका ट्रांसफर चंद्रपुर से 90 किलोमीटर दूर चमोर्शी कर दिया गया। 1974 में भागवत अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अकोला चले गए। आपातकाल के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और संघ के प्रचारक बन गए। आपातकाल के दौरान भागवत के माता पिता को जेल में डाल दिया गया। उनकी मां मालतीबाई उस समय चंद्रपुर में जनसंघ की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हुआ करती थी। भागवत के पास अंडरग्राउंड होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आपातकाल के दौरान वो अज्ञातवास में रहे। आपातकाल हटने के बाद उन्होंने संघ में तेजी से तरक्की की। 1990 के बाद का दौर आजाद भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है। न सिर्फ राम मंदिर आंदोलन की वजह से बल्कि ये कश्मीर घाटी में भयंकर हिंसा का दौर था। इस समय संघ की शाखाओं में नया खेल शुरू हुआ। खेल का नाम था कश्मीर हमारा है। इस खेल में कुछ स्वयंसेवक गोल घेरे के बीच खड़े होते, दूसरे स्वयंसेवक घेरे में खड़े स्वयंसेवकों को बाहर ढकेलते और नारा लगाते, कश्मीर हमारा है। आरएसएस अपने स्वयं सेवकों में कश्मीर समस्या के प्रति खेल के जरिए जागरूकता ला रहा था। ये वही दौर था जब शाखाओं में नारे लगाए जाते, कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी के बाप का। खेल के साथ राजनीतिक विचारधारा को नत्थी करने के पीछे जिस शख्स का दिमाग काम कर रहा था उसका नाम था मोहन भागवत। मोहन भागवत उस समय अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख हुआ करते थे। वो 1999 तक इस पद पर रहे। 2000 में एचवी शेषाद्री के हटने के बाद उन्हें सर कार्यवाह बनाया गया। वहीं 2009 में जब मोहन भागवत ने सर संघ चालक का पद संभाला तो आम चुनाव में महज 2 महीने ही बाकी थे। इस चुनाव में बीजेपी की हार हुई और आडवाणी पीएम इन वेटिंग बन कर रह गए। इसके बाद संघ ने पार्टी पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत करनी शुरू की। चुनाव में हार के बाद अगस्त में बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान हुआ। अध्यक्ष ऐसे आदमी को बनाया गया जो राष्ट्रीय राजनीति में उस समय तक बहुत प्रासंगिकता नहीं रखता था। नितिन गडकरी नागपुर के रहने वाले थे। ब्राह्मण परिवार से आने वाले नितिन गडकरी का बचपन भी संघ की शाखा में ही बीता था। इससे पहले वो महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे। दौड़ में दूसरा नाम मनोहर परिकर का था। परिकर भी गडकरी की ही तरह संघ की शाखा से निकले स्वयं सेवक थे। अध्यक्ष पद के चुनाव ने साफ कर दिया था कि संघ ने एक बार फिर से बीजेपी की कमान अपने हाथ में ले ली थी। 2013 में अगस्त के पहले हफ्ते में कोलकाता में आरएसएस ने सेमिनार रखा। सेमिनार का विषय था इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। इस सेमिनार में देश भर से 220 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार के बाद मोहन भागवत ने पत्रकारों से औपचारिक बातचीत के दौरान कहा, मोदी अकेले ऐसे राजनेता हैं जो संघ की विचारधारा के साथ अब तक जुड़े हुए हैं। 13 सितंबर 2013 मोहन भागवत से पत्रकारों की बातचीत के करीब एक महीने बाद नरेंद्र मोदी को आधिकारिक तौर पर बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। नरेंद्र मोदी के लिए संघ का समर्थन हासिल करना आसान नहीं था। गुजरात में गोवर्धन जड़ाफिया और संजय जोशी रेडिकल हिंदू लाइन वाले नेता माने जाते थे। नरेंद्र मोदी ने बड़ी सफाई के साथ उन्हें बीजेपी से किनारे लगा दिया। इस वजह से संघ और मोदी के बीच रिश्ते बहुत सहज नहीं थे। आखिर में मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी के नाम पर अपनी सहमति जताई।
इस समय तर्क दिया गया कि अगर नरेंद्र मोदी संघ के एजेंडे से इतर काम करते हैं तो 2019 में उनसे हिसाब बराबर कर लिया जाएगा। बता दें कि मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ की कार्यशैली में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। संघ की बीजेपी पर जो पकड़ अब भी है वो इतिहास में कभी नहीं रही। इसके अलावा संघ के आनुषांगिक संगठनों की संख्या और सदस्यता में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज संघ के मुख्य 36 अनुषांगिक संगठन काम कर रहे हैं। देश भर में करीब 1.5 लाख प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। शुरुआती दौर में मोहन भागवत संघ के अब तक के सबसे कमजोर सर संघ चालक कहे जाते थे। 2014 के बाद स्थितियां बदल गईं। आज सर संघ चालक के चारों तरफ Z+ सुरक्षा का घेरा चलता है। ये जान के खतरे की बजाय उनके सियासी हैसियत की भी गवाही देता है। संघ के ताजा उभार को इतने से समझा जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक 2 दिन पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ की बैठक में सामान्य कार्यकर्ता की तरह पिछली सीट पर बैठा देखा जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।